हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आ चुके हैं MTDC बोट क्लब नासिक में। अब हम यहां पर करेंगे बोटिंग और आगे का जो भी हम यहां पर जो भी एक्टिविटी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं। अगर आप यहां पर आते हैं वीक डे पे तो आपको 70 रुपीज़ एडल्ट एंड 30 रुपीज़ चिल्ड्रंस के लिए पे करने होंगे एंट्री टिकट पे। और अगर आप वीकेंड पे आते हैं हॉलीडे पे तो 100 रुपीज़ एडल्ट और बच्चों के लिए 50 रुपीज़ की टिकट लगेगी। तो चलिए आप चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अंदर का। MTDC हार्ड लगा हुआ है और ये है कैंटीन। तो यहाँ पर आप खाने पीने के लिए ख़रीदारी कर सकते हैं। और ये स्नैक्स, प्राइस बोर्ड का बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि ये गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी है। मेंटेन बहुत अच्छा है, जो पूरा सेटअप है वो ऐसा एक प्रीमियम लुक देता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनाया हुआ है। हम इससे पहले भी एक बार यहाँ पर आ चुके हैं और सेकंड बार ये है, बार हम यहाँ पर आए सेकंड टाइम। हमने 2 कप कॉफ़ी मांगी है यहाँ से, तो हमने शुगर डाल दी है और कॉफ़ी को शुगर से मिक्स करते हैं और इसके बाद कॉफ़ी का फ्लेवर लेते हैं। और सच्चेदा कॉफ़ी एंजॉय करते हुए, तो 30 रुपीज़ पर कॉफ़ी है यहाँ पर, तो 60 रुपीज़ कॉफ़ी है। चीयर्स। बाहर तो कॉफ़ी ही पीने में मुझे अच्छा लगता है, चाय उन्हें घर पे अच्छी लगती है। बाहर चाय मुझे पसंद नहीं आती है, मैं बनाती हूँ अदरक काली मिर्च और अच्छे से दूध डालती हूँ और अच्छे से खौलाती हूँ, बट बाहर वो चाय हमें मिलती नहीं है। तो इसलिए हम अगर पीते हैं चाय में तो मसाला थे, वरना हम चाय नहीं पीते हैं कॉफ़ी। यहाँ पर हमने ली है कॉफ़ी, जैसा आपके साथ हमने पहले भी शेयर किया था। तो ये है बोट राइड का बोर्ड, जो जिस बोट पे जिस सवारी पे आप राइड करना चाहते हो वो यहाँ पर सारे रेट मेंशन है इस बोर्ड पे। तो आप इसके थ्रू कितने लोग हो, ग्रुप में हो या सिंगल राइड लेना चाहते हो, तो ये सारे बोर्ड में मेंशन है प्राइस, और इसके बाद आप अपनी राइडिंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये हैं यहाँ के राइडिंग बोट राइड के प्राइस। तो हम लोगों ने ली थी क्रूज़ राइड और उसमें 6% की अवेलेबल होना कंपलसरी था, तो हम इसीलिए पहले नहीं ले रहे थे, हम लोग चले गए थे। फिर अगर फिर मिल गए 6-4 बंदे और, तो फिर हम लोगों को राइड लेने का मज़ा आ गया और हमने ले लिया राइडिंग का मज़ा। और बोट राइड अगर यहाँ बोट क्लब में आते हैं, बोट राइड लेते हैं, तो आपका मज़ा जो है वो 2 गुना हो जाता है, अच्छा लगता है। ये है क्रूज़ राइड, तो ये 8 लोगों के लिए है, 400 पर पर्सन, और सनसेट के लिए भी इसका एडिशनल चार्जेस लगता है। बट कोई है नहीं तो इसकी वजह से हम राइड ले पाएंगे। यस, और ये है गंगापुर डैम। MTDC बोट क्लब से अब हम वापस रवाना होते हैं, क्योंकि खाली पड़ा है पीते होने की वजह से, जरा भी कोई नहीं दिखाई दे रहा 2-4 बंदों के अलावा। और बोटिंग करने का मूड था बट आज नहीं हो पाएगी क्योंकि खाली पड़ी है सारी बोट्स और हम 2 ही लोग हैं, तो 2 लोग होने की वजह से कोई बोट जाने के लिए तैयार नहीं है राइड पे। तो अब चलती हूँ और अब आपको बोट पे ही ज्वाइन करूँगी, क्योंकि सुनना पड़ा है ज़्यादा कुछ खास नहीं, अगर बोटिंग नहीं करने को मिली तो यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं। तो वीक डे पे आने से अगर आप ग्रुप में आती हो तब तो ओके है, अगर आप 1-2 पर्सन हो तो फिर यहाँ वीक डे पे आना थोड़ा सा सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे भी डिसअपॉइंटेड हुआ कि मैं यहाँ पर बोटिंग नहीं कर पाई, इतनी दूर से आई मुंबई से यहाँ आई और बोटिंग ना करने की मतलब नहीं कर पाने की वजह से डिसअपॉइंटेड हूँ, थोड़ा सा अपसेट हो गई हूँ यहाँ आकर। बट कोई नहीं, चलते हैं फिर कभी।
A few moments later. तो जाते जाते फोन आ गया यहाँ से काउंटर से कि चार मेंबर अवेलेबल हैं और आप लोग अगर करना चाहते हैं राइड तो आ जाइए। तो हम तुरंत वापस आ गए और हबी जी अब टिकट ले रहे हैं और इसके बाद हम बोट राइड लेंगे क्रूज पर। तो यहाँ से हमने ले लिया है लाइफ जैकेट और आई एम सो हैप्पी क्योंकि हम वापस जा रहे थे बट सडनली फोन आ गया हबी जी के पास कि क्रूज तैयार है तो हम करेंगे बोटिंग। चलो तो हबी जी हमको बोटिंग करने के लिए बता था इसीलिए हम पहुंच गए बोटिंग हाउस पे वापस। आपको कैसा लग रहा है? यस। कहाँ है हमारा क्रूज? तो फाइनली एंटर कर चुकी है और बड़ा मजा आ रहा है। लगता है हमें बोटिंग करने को पहन के बैठना है या चलो कितने लोग हो गए सारे और अब बोट राइड का मजा लेते हैं। इससे पहले भी हमने यहाँ पर एक बार बोटिंग की 21 में यहाँ पर एक बार पहली बार राइड की अप्रैल में 14 अप्रैल और सेकंड टाइम फिर से और अब हमारी बोट राइड कंप्लीट होने वाली है। तो इस क्रूज राइड को लेने के लिए हमने जो पेमेंट की है वो 400 रुपीज पर पर्सन। इस बोट क्लब की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। तो अगर आप नासिक आते हैं तो ये नासिक से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप बोट राइड के शौकीन हैं तो प्लीज़ मैं आपको इस जगह के लिए ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप इस जगह पर जरूर आओ क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर बोट राइड लेने में।
और खासकर क्रूज में 6 पर्सन चाहिए, तो अगर आप ग्रुप में हैं तो 6 मेंबरों के लिए क्रूज लीजिए। और क्रूज राइड लेने में बड़ा मजा आता है, म्यूजिक के साथ आप राइड लेते हैं तो, और इंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, काफी इंजॉयबल ये राइडिंग हमारी है क्योंकि इसमें म्यूजिक भी रहता है साथ में। तो फाइनली अपनी बोट राइड डन हो चुकी है और अब चलते हैं, अब फुल ऑन इंजॉयमेंट हो गया। 20 मिनट की ये राइड थी हमारी और काफी इंजॉय किया हमने बोट राइड में, इसीलिए हमने स्नीकर डाले थे क्योंकि हमको पता था कि फालतू का झंझट होएगा। तो चलो डन, और जैकेट की कोई जरूरत नहीं है, अब जैकेट निकाल के वही लगाना है। तो फाइनली बोट राइड कंप्लीटेड, अभी जी अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमारी फाइनली बोटिंग हो चुकी है कंप्लीट और अब हम वापस जा रहे हैं मुंबई के लिए। तो रियली हम लोग जस्ट निकलने ही वाले थे, गाड़ी में पहुंच गए थे, गाड़ी ऑन करने ही जा रहे थे तभी फ़ोन आ गया है यहाँ से। तो अभी जी बोले नहीं हम नहीं करेंगे, हमें कहने नहीं मुझे करना है, इतनी दूर आई हूँ तो बोटिंग भी कर ली। अब मैं बहुत खुश हूँ, और अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो वहाँ पे अगर आपके मन की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं तो फिर जर्नी का सफ़र का मज़ा डबल हो जाता है। तो मैं बहुत खुश होकर के अब यहाँ से जा रही हूँ, बोट राइड अपनी हो गई और अच्छा लगा बोटिंग। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ओके बाय, टेक केयर, थम्स अप। तो अब गाड़ी करते हैं ऑन और हमारा लो हो गई है बैटरी, तो सबसे पहले इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, गाड़ी ऑन करती हूँ और केबल किसमें, पीछे तुम्हारे उसमें। तो बंडर स्टार्ट हो गई और अब हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं क्योंकि अपनी बैटरी हो गई कैमरे की लो। तो अब हम वापस जा रहे हैं मुंबई। तो फाइनली बोट क्लब से हमारा पैकअप होकर के हम वापस रिटर्न हो रहे हैं मुंबई के लिए, और अब आगे की जर्नी देखने के लिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय। और क्रूज राइड लेने की जो हमने जर्नी तय की हाफ एन आवर की, वहाँ पर हमने ढेर सारी पिक्चर क्लिक की, तो वो सारी आपको इस ब्लॉग के एंड में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये पिक्चर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर मेंशन करना हमारे ब्लॉग के अंदर, और हम आपके ओपिनियन का वेट करेंगे बेसब्री से, आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो ये सारे हैप्पी मोमेंट हमने यहाँ बोट क्रूज राइड में ली और इन कैप्चर की हुई पिक्चरों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई एम शो हैप्पी एंड आपको भी मज़ा आएगा इन पिक्चरों को देख करके। तो आप इसी तरह से यहाँ पर आकर पिक्चर ले सकते हैं और अपने दिन को हैप्पी एंडिंग की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए, ओके, गुड डे।